हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ़ फ्यूचर रिटेल तो फ्रेंड्स एक काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हमें फ्यूचर रिटेल जो है 51 का प्राइस जो है क्रॉस करते हुए दिखाए जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन टू परसेंट का उछाल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब शेयर फोर्टी एट और एट्टी के आसपास गया था उसके बाद एक शार्प उछाल हमें देखने को मिला जो सीधा 51.60 तक गया था और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला और जो हमारा शेयर है वो क्लोज हुआ 49.80 के प्राइस पे तो क्या इस तेजी के पीछे के रीजंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है अभी फ्यूचर रिटेल के बारे में आने वाले हैं इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और आगे भी फ्यूचर रिटेल से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऑन टाइम सब कुछ मिल सके तो यहाँ पर पहला जो अपडेट है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस फ्यूचर डील एन सी एल टी अलाउज़ रिलायंस रिटेल टू सिक क्रेडिटस नॉट अभी ये लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पे हम क्रेडिटेड नॉट देख सकते हैं जो है सिक कर सकते ऐसा एन सी एल टी ने अलाउ किया है फ्यूचर रिटेल को उसके बाद सेकेंड बड़ा अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर एंड रिलायंस रिटेल डील केस सुप्रीम कोर्ट टू हेयर एमेजॉन फर्दर प्ली फॉर फाइनल ईयरिंग ऑन नवंबर 23 तो नवंबर 23 को जो है फाइनल अपडेट आने वाला है फ्रेंड्स तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलता है इसके ऊपर मैं आप लोगों तक उसका वीडियो बना के पहुँचा दूंगा तो फ्रेंड्स ये बड़ा अपडेट था दूसरा उसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम नेक्स्ट अपडेट की तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यो रिलक फ्यूचर रिटेलर जो फ्यूचर ग्रुप है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया है विल एक्सपोज अमेजॉन्स कॉन्ट्रडिक्शन मिस इंटरप्रिटेशन बिफोर सी सी आई फ्यूचर रिटेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो जो है जिस तरीके से यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है कि जिस तरीके से अमेजॉन ने कॉन्टाडिक किया है और मिस इंटरपटेशन दिखाया है सी सी आई के सामने फ्यूचर रिटेल का जो डील था उसके अगेंस्ट तो उसको एक्सपोज करेंगे ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है ऐसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इन डिटेल यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो और वो एक्सपोज करेंगे डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड मिस इंटरप्रिटेशन मेड बाय अमेजॉन बिफोर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सी तो सी के सामने जो मिसइंटरप्रिटेशन दिखा है अमेजॉन ने ऐसा फ्यूचर रिटेल का कहना है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे हैं और वो रिप्रेजेंट करेंगे अभी यही यहाँ पे बोला जा रहा है और ये ये फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है रविंद्र धरीवाल इन्होंने बोला है तो ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्यों क्योंकि ये सीधा रिलेट करता है मेरे नेक्स्ट अपडेट से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ amazon विन्स लीगल बैटल फ्यूचर ग्रुप कैन सर्वाइव एट reduced स्केल तो ये बहुत पहले न्यूज़ आया था फ्रेंड्स मैंने प्रीवियसली भी ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था आई थिंक कुछ मंथ्स पहले जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर अमेजॉन की लाइक Amazon ये लीगल बैटल जीतता है और फ्यूचर रिटेल रिलायंस की डील नहीं भी होती है तो फ्यूचर ग्रुप में वो पोटेंशियल है कि वो फिर भी सर्वाइव कर सकेगा क्योंकि मैंने बोला था उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज भी चालू की है उनके बहुत सारे आउटलेट्स भी आने वाले हैं और वो बाकी भी चीज़ों में जो है आ, बाकी जो उनके आ, लोन वगैरह है उनके साथ वो इन कम्युनिकेशन है कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिड्यूस्ड स्केल तो वो सर्वाइव कर लेंगे रेड्यूस स्केल से तो कैसे सर्वाइव करेंगे वो यहाँ पे बोला है देख सकते हो आप कि किशोर बियनिस फ्यूचर ग्रुप कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन एलबेट एट रिड्यूस स्केल विथ हेल्प ऑफ बैंक्स एंड लेंडर्स तो जो भी बैंक एंड लेंडर्स है इनके साथ वो बातचीत करके जो है आ, आ, ये जो है आ, यहाँ पे बोला जा रहा है वो रिड्यूस स्केल पे जो है सर्वाइव कर सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो if this गेट्स embroiled इन courts एंड carry ऑन till नेक्स्ट ईयर इट विल बी बैड फॉर द कंपनी बिकॉज इट नीड पॉजिटिव कैश फ्लो तो ये भी रविंद्र धरीवाल ने ही बोला है तो so, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट भी सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन यही केस अगर अगले साल तक चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उनको पॉजिटिव कैश फ्लो की ज़रूरत है जैसे कि हमें सबको पता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है फाइनेंशियली ट्रैप्ट है फिलहाल तो उनके लिए ये रिलायंस की डील बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि रविंद्र धरीवाल जी फिर भी बोल रहे हैं कि अगर ये डील नहीं भी होती है तो भी वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकेंगे तो उनको बस यहाँ है कि कन्फर्मेशन चाहिए अगर कन्फर्मेशन मिलता है ये कैश ये जो डील है ये होती है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा फ्यूचर रिटेल और अगर ये डील नहीं होती है तो उन्हें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन फॉर श्योर वो फाइट बैक करेंगे ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फिलहाल के फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है रविंदर धरीवाल उन्होंने बोला है तो यही डिटेल्स थी फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी फ्रेंड्स फ्यूचर रिटेल के जो भी इन्वेस्टर हैं उनके पर्सपेक्टिव से तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स